नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के नए वीडियो में। ये होंडा एविएटर है, इसमें गाड़ी में करंट नहीं आ रही है। ये दूसरे गैरेज से हमारे पास गाड़ी आई है, दूसरे मैकेनिक भाई ने इन्हें चेक किया था तो करंट नहीं आया, तो उन्होंने नया सीडीआई भी डाला तो करंट नहीं आ रहा है। तो ये पुराना वाला ही सीडीआई है और नया सीडीआई डाला तो करंट नहीं आ रहा, तो हम इसे चेक करेंगे कि करंट क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैग्नेट से करंट ठीक तरीके से आ रहा बाहर और बाहर में करंट नहीं आ रहा। हमने एसटी कॉइल, जो इग्निशन कॉइल होता है प्लग वाली, वो नया डाला था तो 2-3 किलोमीटर गाड़ी चला, उसके बाद में फिर ये करंट नहीं दे रहा, ये पुराना वाला ही कॉइल है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? ऐसा प्रॉब्लम अक्सर पिकअप कॉइल ख़राब होने से होता है। तो इसमें हमने चेक किया, ये दोनों में करंट आ रहा है। पिकअप कॉइल को मैं चेक कर लेता हूँ। पिकअप कॉइल हमने खोल दिया है मैग्नेट के पास से, तो पिकअप कॉइल को हम चेक कर लेते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। देख रहे, ये मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे हैं। एक पिकअप कॉइल में डाला, मेन वाली प्लस वाली, और एक बॉडी से चेक कर रहे हैं। चलिए मैं इसका ग्रीन वाला वायर से भी चेक कर ले रहा हूँ, जो कि मैग्नेट से बाहर आया आर्मेचर से। कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा, जबकि इसका 232 के ऊपर रीडिंग बताना चाहिए। मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा। तो मैंने इसे यहाँ पर पिकअप कॉइल को खोल कर रखा है, मैंने चेक किया तो इसका पिकअप कॉइल ख़राब था। मैं आपको यहाँ से चेक करके दिखा दे रहा हूँ, पिकअप कॉइल में कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा मीटर में। मैं यहाँ से चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, पिकअप कॉइल में कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा, जबकि इसे 232 रीडिंग बताना चाहिए, नहीं बता रहा। यहाँ से देख रहे, कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा मीटर, कोई रिस्पॉन्स नहीं बता रहा। तो क्या करूँगा मैं, इसे खोलकर बाहर निकालूंगा। पिकअप कॉइल को खोलकर बाहर निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये पिकअप कॉइल को मैंने बाहर निकाल लिया और मैं इसे फिर से यहाँ से चेक करके बता रहा हूँ आपको, ये कोई भी रीडिंग नहीं बता रही है, कुछ भी नहीं। मतलब ये डेड हो गई है, पिकअप कॉइल पूरा डेड हो गई है, कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा। देख रहे, मल्टीमीटर में इसे 232 से ऊपर बताना चाहिए, 232, 35, 40, 42, लेकिन कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा। तो मैं इसे चेंज करूँगा। ये देख रहे, मैं नया इसे पिकअप कॉइल डाल दिया हूँ और नया डालने के बाद इसे मैं टाइट कर दिया और मैं इसमें टैपिंग वगैरह कर लेता हूँ। मैंने मैग्नेट वगैरह नहीं खोला, बाहर से ही इसे कनेक्ट कर दिया क्योंकि वायर लंबी थी। तो मैं इसे टैपिंग वगैरह करके इसे फिटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं इसका रीडिंग चेक करूँगा। ये देख रहे, पिकअप कॉइल को हमने ठीक तरह से टाइट वगैरह कर दिया, तो पूरा अच्छी तरह से मैंने इसे टाइट कर दिया। अब मैं इसका रीडिंग चेक करूँगा, रीडिंग बता रहा है या नहीं बता रहा। तो ये ब्लू वाला वायर में मैं रीडिंग चेक करता हूँ फिर से, जो कि पुराने वाले में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो इसमें मैं चेक कर रहा हूँ नया वाला पिकअप कॉइल में। तो देख रहे, ये नया वाला पिकअप कॉइल में 243-42, मतलब कि ये सही बता रहा है, क्योंकि मैंने अभी नया ही डाला इसमें। पुराना वाला में कुछ भी नहीं बता रहा था, ये देख रहे, पुराना वाला एकदम डेड हो गया है। तो कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम के चलते हम लोग फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, और हम लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम को ध्यान नहीं दे सकते, जबकि छोटी मोटी प्रॉब्लम से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये नया वाला 242-243 के आसपास रीडिंग बता रहा है, देख रहे हैं, 242 रीडिंग बता रहा है और पुराना वाला कुछ भी नहीं बता रहा। तो चलिए अब हम इसे करंट को चेक कर लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिकअप कॉइल से ही इसका फॉल्ट था। मैं इसका कपलर वगैरह लगा देता हूँ। दोनों कपलर को लगा देता हूँ, उसके बाद हम इसका करंट चेक कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। नया सीडीआई लगा कर भी चेक किया गया, नया इग्निशन कॉइल भी लगा कर चेक किया गया, फिर भी करंट नहीं आया। यह कीजिए आप। आ रहा करंट आ रहा, पहले तो बिल्कुल भी करंट नहीं आ रही थी, करंट आने लगी। तो पिकअप कॉइल के ख़राब होने के कारण ही ऐसा हो रहा था। तो चलिए अब हम इसे फिटिंग करके और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने सारा चीज़ फिटिंग वगैरह सब कर दिया, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। प्लग वगैरह सारा चीज़ लगा दिया, जो भी इसका फिटिंग वगैरह था सारा चीज़ कर दिया। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चेक करते करते ये स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं, गाड़ी
चेक करते हैं वायरिंग से रिलेटेड, तो हमें पूरा उसे आर्मेचर से चेक करना होता है। आर्मेचर से अगर करंट बाहर आ रहा है तो आर्मेचर हमारा सही, उसके बाद का पार्ट ख़राब है। लेकिन हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते, छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते कि क्या ख़राब है नहीं ख़राब है। तो कभी भी आप कुछ वायरिंग से रिलेटेड चेक करें तो आर्मेचर का कॉइल से करंट बाहर आना चाहिए और पिकअप कॉइल सही होना चाहिए, तब आपका मैग्नेट और मैग्नेट से सारा चीज़ सही है। मैं इसे फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, फिर से ये हो गई सेल, बैटरी इसका पूरा डिस्चार्ज हो गया है। ये अभी कुछ रनिंग करेगी तो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो बाइक जो मैंने बाइक कराया तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब मैं इसका सारा बॉडी वगैरह सब चीज़ फिटिंग कर देता हूँ और मैं ऐसे चला कर ट्राई कर लूँगा। और ये स्कूटी में उन्होंने नया CDA डाला, नया इग्निशन कॉइल डाला, फिर भी करंट नहीं आ रहा, लेकिन फॉल्ट उसका पिकअप कॉइल में था। तो कभी कभी ऐसा होता है हर मैकेनिक भाइयों के साथ, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम पकड़ने में टाइम लग जाती है और बहुत मैकेनिक भाई हड़बड़ा जाते हैं अगर जल्दी फॉल्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कभी भी चेक वगैरह करें वायरिंग से रिलेटेड पार्ट को तो थोड़ा टाइम लगा कर चेक करें, ध्यान देकर चेक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।